नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मेघा चौरसिया की जिम्मेदारी अमृता मेमोरियल फाउंडेशन ने ले ली है। मेघा के 11वीं कक्षा के सेंट जेवियर्स स्कूल धरहरा में फ्री एडमिशन का फाउंडेशन ने शिक्षण खर्च की सारी जिम्मेदारी उठा ली। बता दें कि शहर में एक स्कूल का रिजल्ट CBSE ने रोक रखा था। इस बीच छात्रा मेघा 10वीं का रिजल्ट लेने अपनी माँ के साथ विद्यालय लेने आई। वहाँ इनके साथ अमर्यादित व्यवहार हुआ। इसके बाद NH 31 को छात्रा अपनी मां के साथ मलदेपुर के सामने जाम कर दिया, तब भारी बवाल हुआ। छात्रा छात्राएं अपने रिजल्ट के लिए जिलाधिकारी सहित तमाम नेताओं व विभागों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी ने भी इनकी एक नहीं सुनी। छात्र नेता व सामाजिक कार्यकर्ता रिपुंजय रमण पाठक रानू ने सार्थक पहल की, छात्रों का रिजल्ट घोषित हुआ। इस बीच अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहने वाली छात्रा मेघा चौरसिया ने शिक्षण के लिए सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर अभिनव नाथ तिवारी से संपर्क स्थापित कर रानू ने बात की। प्रबंध निर्देशक ने छात्रा का निःशुल्क प्रवेश स्वर्गीय अमृता तिवारी की स्मृति में अमृता मेमोरियल फाउंडेशन ने तहत कराया। बताया कि फाउंडेशन मेघा चौरसिया के शिक्षण की संपूर्ण जिम्मेदारी खुद वहन करेगी। कक्षा 11, 12 व निकट भविष्य में छात्रा जो भी शिक्षा लेनी चाहेगी उनकी फीस पूर्ण रूप से खुद वहन करेंगी। मेघा को मेधावी बनाने के लिए तत्पर रहेंगी। प्रबंधक निर्देशक ने बताया कि उलझन आती रहती है, सफल वही होता है जो हौसला नहीं खोता है। अमृता मेमोरियल फाउंडेशन के तहत सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देते हुए विद्यालय ने 10वीं व 12वीं कक्षाओं में 90% से अंक अधिक लाने वाले छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया और प्रधानाचार्य श्रीमती सुप्रभा अपूर्वा ने छात्रा मेघा चौरसिया का विद्यालय में स्वागत किया। इस मौके पर नीतीश सिंह, अनिल चौरसिया, अभिषेक चौरसिया मौजूद रहे। जी, आप उनके प्रिंसिपल जो रही है, बच्चे भी बता रहे थे फ्री में हमको एडमिशन दिया जा रहा है यहाँ पर। जी, तो क्या बात सत्य है? पिछले दिनों इस लड़की का रानू पाठक जी आए हमारे पास। जी जी, उन्होंने अवगत कराया कि इस बच्चे के साथ कुछ समस्याएं थी रिजल्ट को लेकर, तो इन्होंने मुझसे बताया। तो सेंट जेवियर्स स्कूल द्वारा अमृता मेमोरियल फाउंडेशन के अंतर्गत मैंने इस बच्ची को गोद ले लिया है। अभी जब तक कि इसकी जो भी पढ़ाई होगी वो संजय अमृता मेमोरियल फाउंडेशन इनका वहन करेगा। आगे भी जिस तरीके की इस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए जो भी होगा वो सब संजय बेस स्कूल और अमृता मेमोरियल फाउंडेशन इसकी मदद करेगा। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये पहली बच्ची या आपके द्वारा कई समाचार ऐसे कई बच्चे हैं जी? अभी तो तीन चार दिन पहले ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक निवेदन आया था एक बच्चे का कि शायद उसके फादर नहीं थे, और जिलाधिकारी महोदय ने वो बच्चे की माँ जिलाधिकारी महोदय के पास गई थी कि एडमिशन करना है लेकिन फीस नहीं हो। जिला अधिकारी महोदय ने हमारे प्रिंसिपल को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा, तुरंत उस पर हम लोग ने कार्रवाई करते हुए उस बच्चे के एडमिशन हम लोगों ने ग्रांट कर दिया। जी, इसका मतलब आपका ये विद्यालय समाज सेवा के साथ साथ गरीब और सहायक को भी आपको मदद करते हैं? बिल्कुल, अभी RT के अंतर्गत भी हम लोगों ने अभी तक इस सेशन में 12 एडमिशन लिया है, और वैसे भी इस कोरोना काल में किसी तरीके से हमारे समाज के बच्चे पढ़ें, उनका मनोबल ऊँचा रहे, इसमें फीस की कोई बाध्यता कभी किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है। ऐसे असहाय निरीह बच्चे जो हैं, जो ऐसे अभिभावक जो फीस देने में असमर्थ हैं, उसके लिए भी सेंट जेवियर्स कभी पीछे नहीं हटता है और आगे भी भविष्य में ऐसी मदद करेगा। हम लोगों ने इस सेशन में कई ऐसे बच्चों का की हेल्प की है, उनका एडमिशन लिया है जो कि अमृता मेमोरियल फाउंडेशन।